हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम कुकिंग क्लब। आज मैं हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो फ्रेंड्स, आप देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। फ्रेंड्स, सर्दियों का सीज़न है और सभी प्रकार के मौसमी सब्जियाँ उपलब्ध हैं। विंटर में सब्जियाँ जो होती हैं वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती हैं खाने में। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पाव भाजी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं और बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने गैस को ऑन कर दिया है और उस पर एक कुकर रख दिया है। कुकर हमारा गर्म हो गया है। इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। अभी यहाँ पर हम बटर का यूज़ नहीं करेंगे, अभी इसमें हम कुकिंग करेंगे सब्जियों की। तो यहाँ तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा हमारा चटक रहा है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच पाव भाजी मसाला और गैस को बिल्कुल हम लो कर देंगे, लो फ्लेम पर, जिससे मसाले हमारे जले नहीं। और इसको हम 2 सेकंड के लिए भून लेंगे जिससे मसाले की खुशबू अच्छी आ जाए। अब इसमें हम डाल देंगे कटी हुई गोभी। यहाँ पर हमने 4 से 5 गोभी के गुच्छे लिए थे और काट कर इनको साफ कर लिया था। और 1 गाजर, इसको मोटे मोटे पीसेस में हमने कट कर लिए हैं। और 1 कटोरी मटर, साथ में 1 मीडियम साइज़ का बीटरूट, इसे हमने पील करके कट करके रख लिया था अच्छे से वॉश करके। और 2 मीडियम साइज़ के आलू, इनको भी हमने मोटे पीसेस में कट करके रख लिए थे। और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, इन सबको डालकर हम अच्छे से 1 मिनट भूनेंगे लो फ्लेम पर। गैस को हमें यहाँ हाई फ्लेम नहीं रखना, नहीं तो मसाले हमारे जल जाएंगे। तो यहाँ हमें मसालों को जलाना नहीं है, बस इसे हमें लो फ्लेम पर हल्का सा भूनना है। मसाले हमारे भून गए हैं और सब्जियाँ भी अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें हम डालेंगे 300 ml के करीब पानी। आप अनुसार पानी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पानी को हमने डाल दिया है और बीटरूट का कलर देखिए आप कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ हमने किसी कलर का यूज नहीं किया है। अब इसमें हम डाल देंगे टेस्ट के अनुसार नमक और इसको चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक हमारा मिक्स हो गया है। अब इस पर हम लगा देंगे ढक्कन और 2 सीटी आने तक इसे कुक कर लेंगे, जिससे सब्जी हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। सीटी लग चुकी है और गैस भी निकल गई है, ढक्कन को हमने हटा लिया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सब्जियां हमारी अच्छे से कुक हो चुकी हैं। और इसको हटाकर अब हम साइड में रख देंगे और गैस पर हम 1 पैन चढ़ा लेते हैं। यहाँ पर कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, इसमें हमने 1 चम्मच सरसों का तेल डाला है और इसमें 2 चम्मच हम बटर डालेंगे। यहाँ पर सरसों का तेल हमने इसीलिए डाला है जिससे बटर हमारा जले नहीं। तो बटर को हमें जलाना नहीं, बस मेल्ट करना है। जैसे ही बटर हमारा मेल्ट होता है, इसमें हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज की कटी हुई प्याज और 1 शिमला मिर्च, इसे भी हमने बारीक कट करके रख लिया था, इसको भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर प्याज और शिमला मिर्च को हम अब चलाते हुए भूनेंगे। यहाँ पर हमें इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए, पिंक हो जाए प्याज का कलर, बस इतना ही रखना है हमें। और सब्जियाँ भी थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी। इसे हम चलाते हुए भून लेते हैं हल्का सा, तो कलर हमारा हल्का हल्का चेंज हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 कटी हुई हरी मिर्च, इसे बारीक हमने कट कर लिया था। और साथ में जिंजर गार्लिक को क्रश करके रख लिया था, इसको भी हम डाल देंगे। टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे। यहाँ पर हमने 2 चम्मच पाव भाजी मसाला लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर से कलर ही बहुत प्यारा आता है। और 1 चम्मच कसूरी मेथी, जिसे हमने हथेली पर रगड़ के डाल दिया है। और कुछ हरी धनिया डाल देंगे यहाँ पर हम। अभी हम सबको डालकर
चलाते हुए एक मिनट भूनते हैं और गैस को हमें यहाँ बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है। यहाँ मसाले हमारे भून चुके हैं, अब इसमें हम डाल देंगे आधा नींबू का रस खटास के लिए और इसको भी चलाते हुए मिक्स कर देंगे। मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं, इसमें हम डाल देंगे एक छोटा कप पानी और इसको फिर से हम चलाते हुए भूनेंगे। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि मसालों से तेल ना अलग होने लगे। इसे अब हम मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए भून लेंगे। फ्रेंड्स, जब तक मसाले हमारे यहाँ भून रहे हैं तब तक हम कुकर की लिड हटाकर सब्जियों को चेक कर लेते हैं। मसाला हमारे यहाँ भून गया है और यहाँ पर हम कुक की हुई सब्जियों को ऐड कर देंगे। और इसको चलाते हुए हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। यह रेसिपी आसान इसलिए होती है क्योंकि इस सब्जी को कुकर में पकाने के बाद मैशिंग का स्टेप बहुत ही आसान हो जाता है। फ्रेंड्स, आप भी ऐसे ट्राई करिएगा, मस्त बनेगा। अब इसको ऐसे ही हम 2 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर उबलने देंगे। फिर यह एक साथ आने लगेगा, इसकी वजह से बाइंडिंग भी अच्छी आ जाएगी। उसके बाद मैशिंग करना और भी इजी हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ हम एक पोटैटो मैशर की हेल्प से इसे मैश कर लेते हैं। इसे 2 से 4 मिनट अच्छे से हम मैश करेंगे जब तक कि सब्जियाँ हमारी अच्छे से बाइंड ना हो जाएं एक साथ। और इसका कलर आप देख सकते हैं कितना प्यारा है, इसमें हमने कलर का यूज़ नहीं किया है, ये बीट रूट का ही कलर है। भाजी हमारे यहाँ बिल्कुल बनके तैयार है और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। फ्रेंड्स, इसको हम बनाकर तैयार कर लिए हैं, इसको अब हम किनारे रख देंगे और भाजी को सेकने की तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम पाव को सेकने की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हमने तवा को रख दिया है गैस पर और तवा हमारा गर्म हो रहा है। अब हम इस पर 1 चम्मच बटर डाल देंगे। बटर हमारा मेल्ट हो रहा है। अब इसमें हम थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया डालेंगे। अब यहाँ पर आप चाहें तो पाव भाजी मसाला का यूज़ कर सकते हैं और साथ में कसूरी मेथी, लेकिन यहाँ पर हमने मसाले का यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर मैं 1 चम्मच भाजी को ऐड करूँगी और इसको चलाते हुए अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। अब इससे भाजी का फ्लेवर भी आ जाएगा और जैसे स्ट्रीट में जिस तवे पर भाजी को बनाते हैं उसी तवे पर पाव को भी रोस्ट कर लेते हैं, जिससे उसका फ्लेवर बहुत ही यमी आता है। तो हम उसी प्रकार से ट्राई कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम पाव को बीच से काट लिए हैं और इसको बीच में हमने रख दिया है, सिक रहा है हाई फ्लेम पर। इसे हम सेक लेंगे दबाते हुए। और इसको अब हम पलट कर नीचे की साइड भी अच्छे से सेक लेते हैं और सारे बटर और मसालों को हम इसमें अच्छे से चारों तरफ से घुमाते हुए अब्सॉर्ब हो जाएगा। इसमें पाव हमारा सिक के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं बीच में कितने अच्छे से मसाले लग चुके हैं। तो फ्रेंड्स, पाव हमारा बनके तैयार है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।